बोर्ड के ऑफिस आए हुए हैं। पीछे आपको मीडिया भी दिख रहा होगा। तो हम लोग जो हैं यहाँ पे इंटर के आज से एग्ज़ाम शुरू हैं, और काफ़ी ये वाले अगर मैंने अभी मैट्रिक के किए थे कवर, मगर इंटर के एग्ज़ाम्स जो हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही समझेंगे ना, क्योंकि इसके बाद फिर बकायदा आप अपनी फील्ड्स में निकल जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, कॉमर्स वाले अपने रास्ते चल पड़ते हैं। तो ये इंटर के आज से 18 जून आज से इम्तहान शुरू हैं, तो इसलिए मेरे पीछे पूरा मीडिया भी जमा है। हम लोग अभी जो है अलग अलग सेंटर्स में जाएंगे और देखेंगे वहाँ का क्या हालात क्या है वहाँ पे। पिछली दफ़ा जो मैट्रिक का जब मैंने कवरेज किया था उसमें तो बड़े बुरे हाल थे, कहीं कहीं पानी भी नहीं मिल रहा था, टेबल्स भी गलत लगाई हुई थी। तो अब देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा, स्टे विद मी। काफले की सूरत में आगे अगली गाड़ी से आगे वाली जो है, नहीं अभी तो उससे भी आगे निकल गई है, चेयरमैन जो हैं इंटर बोर्ड के, उनकी हम गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। वो जा रही है आगे, वो ब्लैक गाड़ी जो जा रही है जिसकी ग्रीन नंबर प्लेट है, वो हम उसका पीछा कर रहे हैं। वो जहाँ जहाँ कॉलेजेस पे जाएगी हम वहीं पे धावा बोलेंगे, हल्ला करेंगे और वहाँ देखेंगे कि बच्चों के साथ क्या सलूक हो रहा है। मेरे साथ फहीम सदीकी, फोकस विद फहीम। हाँ, वालेकुम सलाम फहीम। फहीम मेरे साथ हैं, हनीफ भाई मेरे साथ हैं, हमारी पूरी टीम निकली है। और हम किस कॉलेज में आए? अब्दुल्ला कॉलेज। चलें जी, हमारा पहला स्टॉप अब्दुल्ला कॉलेज। ये देखें जी, मीडिया अंदर दौड़ रहा है कैमरे के साथ, मेरे पीछे भी मेरे मीडिया, ये मीडिया, पूरा मीडिया आ गया भाई। और हम लोग देखेंगे बच्चों के साथ क्या सलूक हो रहा है, कुछ जुल्म तो नहीं हो रहा, जुल्म और सितम। MCQs चल रहे हैं, ये नया सिस्टम है, OMR शीट। और ये आपके पास ही रहेगा 2 घंटे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सोच सोच के करें। शाबाश, वाओ, 2 घंटे MCQs के लिए जी, 2 घंटे पेपर समेत। अच्छा, पेपर समेत सही है। लाल मास्क, इसका मतलब खतरा, खतरनाक पेपर होगा ये, नहीं? पढ़ाई की थी, तैयारी की थी, नाश्ता किया? हाय अल्लाह भाई, यहाँ बेहोश मत हो जाना प्लीज़, मेरे आगे तो बिल्कुल भी नहीं, मैं रो पड़ूंगी। नाश्ता किया था ना सबने ठीक से? बस फिर अच्छा पर्चा होगा इंशाल्लाह। ये तो अच्छा कॉलेज है, या लाइट्स हैं क्लासरूम्स में, और मतलब कि इसको अच्छा के कहेंगे क्योंकि आई नो क्या हालत है यहाँ की, बट स्टिल यू नो जिसको अंधों में काढ़ा, सो आई विल कॉल इट अ गुड, बेटर प्लेस देन द अदर्स। ये बच्चों से पहले से ही बैग्स वगैरह यहाँ रखवा लिए जाते हैं, और ये सारे बेचारे मजलूम बच्चों से इम्तिहान करवा रहे हैं। तुम लोग पे जितना जुल्म हो रहा है बेटा, मैं भी इसी मरहले से गुजरी हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। नाश्ता तो सबने किया था ना, ऐसे तो नहीं आ गए, वरना अंडा मिल जाएगा, नाश्ते में नहीं खाया अंडा तो यहाँ मिल जाएगा। आगाज़ यहीं से करेंगे, जो सोशल मीडिया पर पहुंचा, वायरल हुआ, उसके बारे में क्या बताएंगे? वैसे माइक पकड़ लें। अभी मैंने जिस हम अब्दुल्ला कॉलेज आए हैं, अभी आपके सामने विजिट भी किया है, 12 ब्लॉक हैं और तकरीबन 700 से ज़्यादा बच्चियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, और अपने टाइम पे पेपर शुरू हो गया, और हर कमरे में लाइट भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे बड़े सुकून से पेपर कर रहे हैं। ये जो कुछ र्यूमर्स थी, एक रात को एक र्यूमर थी कि भाई
जो है बोर्ड ने इम्तहान मुलतवी कर दिया बारिश की वजह से। रात को 2 बजे ये खबर हमें मिली थी तो वो भी गलत थी। और कुछ जगहों पे एक बात जगह ये वायरल हुई कि पेपर जो है वो पहले से लीक हो गया है, तो वो भी अभी हमने चेक किया, तो मैंने देखा मेरे दोस्तों के साथ, तो वो भी बिल्कुल 100% डिफरेंट है। तो ये यहाँ पे जो बच्चे इम्तिहान देने आए हैं ये उनके घर वाले हैं। जाहिर है घर में लाइक बच्चे अगर थोड़े टेंशन में है तो घर वाले भी होंगे और शायद थोड़ा बच्चों से ज़्यादा ही होंगे। कोई बच्चों ने तैयारी की है? बहुत अच्छी की है, या वो ऐसे ही कह रहे हैं कि हमने की है और की कुछ नहीं है? नहीं, मैं क्यों चेक करूँ, मैं तो मीडिया से हूँ। आपके बच्चे ने सही की है तैयारी? सारे बच्चे ने की है, मगर पता नहीं क्या होने वाला है। अंदर बड़े मुश्किल किस्म के सवाल आते हैं, MCQ भी मुश्किल है, जिसमें वो कह रही है जी अल्लाह आसानी करे। ओके, अल्लाह आसानी करे तो मैंने तब सुना है जब कोई ऊपर जाने वाला होता है, मगर यहाँ पे इम्तिहान के लिए भी अल्लाह आसानी करे की बात चल रही है। तस्बीहां कौन कौन लेकर आया है? ये जी तस्बीह वाली मिल गई। क्या अच्छा क्या पढ़ रही है बच्चे के लिए कि बच्चा फर्स्ट आ जाए? बच्ची फर्स्ट आ जाए। बच्ची क्या करना चाहती है आगे जिंदगी में? डॉक्टर बनना चाहती है। वाह, अल्लाह मियाँ उसको डॉक्टर बनाए, अल्लाह मियाँ बहुत अच्छे नंबरों से पास करे। फिर आपने क्या क्या तैयारियाँ की कि वो डॉक्टर बने? उनको क्या नाश्ते में खिलाया आज? बच्चियाँ तो कुछ भी नहीं खा कर आई हैं, बस तैयारी की है पढ़ाई। हाँ, एक बच्ची ने मुझे कहा मैंने नाश्ता नहीं किया, मेरे को बेटा अगर नाश्ते में अंडा नहीं खाया तो अभी पर्चे में मिल सकता है। कुछ भी नहीं किया है, आप यकीन करें बच्चियाँ ऐसी सुबह उठी हैं, बल्कि सोई भी नहीं है, पेपर की तैयारी कर रही थी। तो आप लोग समझाते क्यों नहीं कि बेटा आगे लाइफ में बहुत इम्तिहान है? जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको टेंशन तो लगी हुई होती है ना कि हम अच्छे नंबर से पास आए, हमारे नंबर अच्छे हो, आगे बढ़ने के लिए अच्छे नंबर होने चाहिए। नाश्ता भी होना चाहिए पेट में? भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। सब परेशान है, इनके बच्चों ने एग्जाम देना है और ये भी दुआ कर रही है बहुत सीरियसली। सब लोग बहुत परेशान है, पता नहीं क्यों परेशान है। अगर तो परेशान नहीं है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अम्मी तो लगी नहीं रही, किसी की अम्मी है आप? नहीं, मैं खाला हूँ। खाला क्यों परेशान होगी? क्योंकि भांजी पढ़ कर आई है, तो मैं परेशानी की क्या बात है। खाला ये अम्मी का है, उस बच्ची की, भांजी की अम्मी का है, वो घर में बैठी। और आपको भेजा है? मैं भी तो अम्मी की तरह हूँ ना, खाला भी तो माँ होती है। ये माँ तो परेशान ही नहीं है? बाकियों का हशर देखा है अपने? एक तस्वीर लेके बैठी है, एक क्या कर रहा है? नहीं, मैं पढ़कर आई हूँ, उसके ऊपर बहुत दम किया मैंने। क्या पढ़ लिया? क्या क्या पढ़ा? बहुत कुछ पढ़ कर आई। कुछ पढ़ लिया है? कोई वजीफा उल्टा सीधा तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ठीक से पढ़ा है? जी। अच्छा, नाश्ता कराया बच्ची को? हाँ, नाश्ता नहीं करके वो खुद ही कह रही थी पेट भरा हुआ। पेट भरा? अब तो गई, अब वही भूख लगेगी उसको इम्तिहान के कमरे में? नहीं नहीं, इंशाल्लाह बाहर निकल जाएगी। वहाँ सारे अंडे नजर आएंगे जो नाश्ते में नहीं खाए थे। ये बताएं इतनी सारी मीडिया क्यों आई है भाई, बच्चियाँ तो डर जाएंगी। हमें अभी उनको ऐसे डरा के आई हूँ, बहू की ऐसे उछल के गिरी है, सारी कुर्सियों से नीचे गिर गई, बड़ी खतरनाक है ना। ये देखें जी परेशान लोग और परेशान मीडिया लेट आया है, जल्दी जाओ। और ये परेशान लोग, मजीद परेशान लोग, जिनके बच्चे भी अंदर परेशान और अम्मियाँ भी परेशान, पता नहीं इनका क्या होगा। और ये डॉगी, हेलो, आपने परेशानी नहीं देखी? अच्छा नहीं भाई, वो खुश है। इंटर बोर्ड के चेयरमैन की गाड़ी के ताकुब में है फिर से, और वो रॉन्ग निकले थोड़ा सा और वो मुड़ गए और हम भी मुड़ गए, और अब हम अगले कॉलेज की तरफ। क्या ख्याल है भाई, वो कहाँ ले जा रहे हैं ये? सर सैयद कॉलेज जाएंगे, मेरा ख्याल सर सैयद जाएंगे। ओके, आज क्या इनको लड़कियों के कॉलेजों में जाना है? सर सैयद लड़कियों का नहीं है? तो क्या हो गया आज इनको, बस लड़कियों के कॉलेजेस में हमें दिल घुमाना है? मेरा ख्याल है, देखें अभी क्या होता है। मैं तो उतरते ही पूछूंगी कि सर जी प्लीज, जाना है इनको मेल कॉलेज में चाहिए। बीच में क्यों आया भाई तुम? तो मीडिया वाले नहीं हो यार, जाओ, हमें हम इस वक्त मिशन पे, मिशन इम्पॉसिबल। दीवारों से ही पता लग गया कि हम लोग एक और कॉलेज की तरफ, जो एक और इम्तिहान का सेंटर है, पहुंच गए हैं। और अब हम देखेंगे कि लड़के इम्तिहान कैसे देते हैं, कैसे देते हैं। आ जाए,
पैदा कर डॉन से जी 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 बिल्कुल डॉन ब्रेड से डबल रोटी वाले ये तो बड़ा अच्छा कॉलेज है यार, यहाँ भी चीटिंग तो नहीं हो रही। हम तो ऐसे कॉलेज ढूंढ रहे हैं जहाँ पे चीटिंग हो रही हो, बच्चे डेस्क के ऊपर छुरी कांटा रख के बैठे इम्तिहान दे रहे हो, ऐसा कॉलेज कहाँ से मिलेगा हमें? जी चेयरमैन साहब, हम तो ऐसा कॉलेज देख रहे हैं सर, बच्चे जो है वो डेस्क के ऊपर छुरी कांटा लगा के बैठे हो। नहीं, ये इंटर बोर्ड के कॉलेज है सर, ये ऐसे थोड़ी सर कोई खतरनाक कोई इंटीरियर के कॉलेज थोड़ी। अच्छा ये तो बहुत अच्छा, बहुत क्लीन है, वेरी नाइस कॉलेज है एक्चुअली, इट्स अ रियली नाइस कॉलेज। अभी हम अब्दुल्ला कॉलेज से आए हैं, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतनी अच्छी तरह लड़के बैठे हुए एग्जाम्स दे रहे हैं, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। हाँ अच्छा, वो पंखे नहीं चल रहे सर, बिजली नहीं आ रही उनमें? नहीं मगर बंद क्यों है, ख़राब है? अच्छा नहीं, मैं समझी खिड़की से हवा आ रही है तो बिजली बचा रहे हैं अपने लिए, कौम के लिए। अच्छा चले जी, दो पंखे ख़राब थे, ये पहला बच्चा जो आगे बैठा है ना, ये हंसमुख सा, ये इसके अच्छे नंबर आएंगे, ये बड़ा चिल है, ये देखें ये वाला बच्चा। नहीं नहीं सर, ये वाला जी मुस्कुरा रहा है ना, ये बिल्कुल, ये पूरी तैयारी करके आया है, वेरी नाइस, आदम जी वाले बच्चे हैं। ओके, लास्ट ईयर से बच्चों के पास मोबाइल भी? जी 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 जी, मोबाइल तो नहीं होता बिल्कुल। चलो तो स्ट्रेटजी ये कि जहाँ बाकी मीडिया होता है हम जरा अपने रास्ते से। ये सारे बच्चे कॉरिडोर में क्यों बैठे हुए हैं? ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं उनके, ज़्यादा लायक हैं या ज़्यादा नालायक हैं, क्या है ये सर? अच्छा कुर्सियाँ, मगर ये पंखे नहीं है ना, बिल्कुल बंद है जगह, हवा आ रही है बच्चों? नो नहीं सर, इम्तिहान के टाइम पे इनको बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, ये जगह बिल्कुल गलत है, क्लासरूम्स बंद हैं, लॉक हैं और बच्चे कॉरिडोर में बैठे हैं। जी जी, मगर ये तो, ये भी इंसान के बच्चे हैं सर, इन्होंने क्या कसूर किया? तो ये बड़ा इशू है, बिजली है ही नहीं यहाँ पे, कहीं भी पंखे नहीं है, तो बिजली सर, पंखे ही नहीं है, बिजली की जी जी, तो क्यों नहीं चल रहे? अच्छा तो उस साइड पे तो चल रहे हैं, चले हाँ, थोड़ी हवा तो आ रही है मगर फिर भी, लाइक यू नो दीज आर चिल्ड्रन जो इम्तिहान की तैयारी करके आए हैं, बच्चों की अपनी स्ट्रेस होती है उनको, फिर यहाँ तो डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ इस तरफ आ रही है थोड़ी हवा मगर पीछे तो बिल्कुल बंद थी, अल्लाह करे इनके हाथों से बहुत अच्छे पर्चे हों, इनका फ्यूचर है। देर एंटायर फ्यूचर इज़ एट स्टेक, सारे बच्चे अच्छे अच्छे एग्जाम्स दें, अच्छे नंबरों से पास हों। यहाँ पर भी ए सी लग सकते हैं सर, ऐसा कोई मसला नहीं है? नहीं नहीं, इंशा अल्लाह लगेगा सर। कॉलेज की कोई फीस है? नहीं, और ना एग्ज़ाम की बगैर पैसे के कोई काम होता है क्या? अगर ये बगैर पैसे के पढ़ा रहे थे इसका मतलब इनकी सब स्टैंडर्ड है या कोई स्टैंडर्ड है? सर आपका नाम? मैं नवीद अहमद हाशमी, आप प्रिंसिपल हैं? थैंक यू सर। मैम आप पहले आई थी आपने? मैं आई थी, मैं नाम भूल गई। हाँ बस मैं नाम भूल गई आपका। ठीक है सर, कल भी अल्लाह करे अच्छा पढ़ाए। हाँ ये इन लोगों ने हमें दिखाई है इनकी मशीन्स वगैरह, कोडिंग मशीन्स वगैरह अक्सर हैं। हम अगर मतलब इतना कोशिश कर रहे हैं, रात 2 बजे ये खबर चल रही थी कि बारिश, इंटर बोर्ड के चेयरमैन का पीए बोल रहा हूँ और चेयरमैन साहब ने, सही दीन साहब ने
पेपर मुलतवी कर दिया है बारिश की वजह से और तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। फिर रात को 2 बजे उसको कहा तो सर क्या पता कुछ बच्चे इस हालत फहमी में ना आए हो। वो भी 100% अटेंडेंस है। अच्छा यू आर ए ट्रू जर्नलिस्ट, अच्छी खबर में से पूरी खबर निकालो। ढूंढ रहे हैं सर, मिल नहीं रही है। अभी तो यही मुश्किल है कि मिल नहीं रही। हो गया। ये कॉलेज तो बहुत अच्छा था अब्दुल्ला, इतनी बड़ी ज़मीन के ऊपर वो कॉलेज क्या ज़रा हालत ख़राब थी, मगर ये बहुत अच्छा है। प्रिंसिपल भी अच्छे हैं, मेंटेन करके रखा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अपने कॉलेज भी अच्छा हो सकता है, थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो सर आप वहाँ पे आ जाए ना, गर्ल्स कॉलेज है ना, आ जाए गर्ल्स कॉलेज। आप एक चीज़ और बोलेंगे, ये अच्छी चीज़ पूरे कॉलेज में कहीं आपको कुछ ऑफिस वगैरह नहीं है, क्रेडिट या टीचर्स को और प्रिंसिपल को जाते हैं। सही है सर, और ये हर डबल बिल्कुल बात भी है, इवन देन कोई चौकिंग नहीं। हाँ नहीं चौकिंग तो ये भी अच्छा है कि आप ये सारे बस को वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। ये सामने बच्चों के बैग्स वहाँ रखवा दिए गए हैं हवादार साए के अंदर, जो कहीं कहीं बच्चों को भी नहीं नसीब होता उनके बस्तों को नसीब हो गया। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रहे हैं, कहां थे रानी डिशा 77 चुल्लू का जो मेरे साथ करीब 8 डेज। बाय बाय।